बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक नहायत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस रिस्पेक्ट से कि तकरीबन 3 से 4 शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, 5 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की डायमेंशंस निकालना आती हैं तो वो 5 न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाएंगे और वो 4 शार्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो भी हलवा हो जाएंगे, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये डायमेंशंस क्या होती हैं। तो ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी को हम एज अ डायमेंशन कंसिडर करते हैं, हर बेस क्वांटिटी को हम एज अ डायमेंशन कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, डिनोटेड बाई अ स्पेसिफिक सिंबल। एक स्पेसिफिक सिंबल से हम डिनोट करते हैं, रिटन विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट, जिसको हम एक स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वान्टिटीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थिंग है कि ये फिज़िकल क्वान्टिटीज़ की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताता है। अब ये क्वान्टिटेटिव नेचर क्या होती है, ये क्वालिटेटिव नेचर क्या होती है, ये थोड़ी सी आगे चलकर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। असल मेन पॉइंट डायमेंशन एनालिसिस का यही है, ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर। तो ये क्या होती है ये इंशाल्लाह आगे चलकर डिस्कस करते हैं। पहले जो डेफिनेशन का ये जो फर्स्ट पार्ट है हम इस पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डायमेंशंस पे चलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, हमने क्या कहा है कि ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज अ डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी को हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, एक डायमेंशन है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज बताएंगे और आसान सा तरीका बताएंगे, हर क्वांटिटी, हर कोई भी फार्मूला है, कोई भी मतलब स्पीड है, उसके बाद वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसकी आप आसानी के साथ डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ 3 बातें आपको बताएंगे, बस वो किसी तरीके से आपने याद रखनी है। बहरहाल उन 3 बातों पर जाने से पहले थोड़ी सी फजूल की कहानियाँ हम देख लेते हैं। तो लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है, बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ इनकी यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट मीटर जिसका सिंबल एम होता है, मास की यूनिट किलोग्राम सिंबल केजी, टाइम की यूनिट सेकंड सिंबल एस, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर सिंबल ए, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन सिंबल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो हमारे पास यूनिट है वो मोल है और सिंबल एम ओ एल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो यूनिट है वो क्या है, कैंडेला और सिंबल सी डी है हमारे पास। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। मैंने क्या कहा था कि ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज अ डायमेंशन बाय स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट। उसको हम किस में लिखते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लेंथ की जो डायमेंशन होती है ना वो कैपिटल एल होती है और इसको हम ऐसे स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके हो गया। मास की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम होती है जिसको हम स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन कैपिटल ए, टेम्परेचर की डायमेंशन कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन एन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन जे। अब इसमें आपके काम की पता कौन सी हैं, जो आपके इस शार्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से रिलेटेड है वो जस्ट 3 डायमेंशन आपके काम की हैं, बाकी जो हाइयर लेवल पे आती हैं, ठीक है। वो 3 डायमेंशन कौन सी हैं, आपने बस ये वाली डायमेंशन किसी तरीके से याद करनी है, बस ये वाली डायमेंशन। कौन सी, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल है, मास की डायमेंशन कैपिटल एम है और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी है। किसी तरीके से आपने ये 3 डायमेंशन किसी तरीके से याद करनी है। हर फार्मूला उसकी यूनिट दी हुई हो तो आप उसकी आराम से आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हो उस क्वांटिटी की। तो यहाँ पर देखें, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि लेंथ की यूनिट है मीटर जिसका सिंबल है एम। अब इसमें बड़े मज़े की बात है, याद रखिए जिसकी भी यूनिट मीटर है ना, जिसकी भी यूनिट है वो मीटर है, उसकी उसका बिना सोचे आपने कैपिटल एल लगा देना स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पूछे ना रेडियस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर में, डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल।
विड्थ को, हाइट को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, इन सब की जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो क्या है, वो मीटर है। तो जिसकी भी यूनिट मीटर है उसकी डायमेंशन आप कैपिटल एल पुट करेंगे बिना सोचे। जिसकी भी यूनिट मीटर है आप उसकी डायमेंशन क्या पुट करेंगे, कैपिटल एल पुट करेंगे। और किलोग्राम जिसकी यूनिट है, जरा मास की यूनिट है, उसकी डायमेंशन कैपिटल एम। सेकंड टाइम की यूनिट है उसकी डायमेंशन कैपिटल टी पुट करेंगे। बस ये तीन याद रखें, हर किस्म का फार्मूला आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये हलवा हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस पे जाने से पहले मैंने कहा था आपको बताएंगे कि ये क्वालिटेटिव नेचर क्या होती है। अब क्वालिटेटिव नेचर को देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वांटिटेटिव नेचर क्या होती है। तो देखिए, जो यूनिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वांटिटी है लेंथ है। अब अगर हमने बड़े स्केल पे फॉर एग्जांपल मेजर करना है तो हम मीटर में कर लेंगे। अगर हमें छोटे स्केल में मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। अगर उससे छोटे स्केल में हमें करनी है लेंथ को मेजर तो हम मिलीमीटर में कर लेंगे। अब जो यूनिट्स होती है वो यूनिट्स हमें बताती हैं क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में कि हम लेंथ को किस स्केल के ऊपर मेजर कर रहे हैं, छोटे स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर या उससे बड़े स्केल के ऊपर। तो ये जो यूनिट होती है ये बताती है क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में, ठीक है। यानी यूनिट हमें शो करती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यूनिट्स हमें क्या शो करती हैं किसी चीज़ की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, कि हम बड़े स्केल पे उसको मेजर कर रहे हैं, छोटे स्केल पे मेजर कर रहे हैं, उससे छोटे स्केल पे मेजर कर रहे हैं, किस पे मेजर कर रहे हैं। ओके हो गया। यूनिट क्वांटिटेटिव नेचर को शो करती हैं, यानी कि ये हमें शो करती हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या करती हैं, मैंने कहा था कि डायमेंशन क्वालिटेटिव नेचर को शो करती है, क्वालिटेटिव नेचर को। अब फॉर एग्जाम्पल लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। अब हमें ये तो पता है कि भाई ये डायमेंशन है लेंथ की जो कि है कैपिटल एल। अब लेंथ किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, कुछ पता नहीं। बस ये हमें बताती है कि ये डायमेंशन किसकी है, लेंथ की है, और हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ओके हो गया। तो ये डायमेंशन जो है ये हमें क्या बताती है, ये हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटेटिव नेचर के बारे में हमें बताती है, यानी कि ये शो करती है क्वालिटेटिव एनालिसिस को। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, डायमेंशन के कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास है ये स्केल के बारे में, छोटा स्केल है, बड़ा स्केल है, उससे बड़ा है, नहीं कुछ पता नहीं। बस हमें ये पता है कि हमें लेंथ को मेजर कर रहे हैं और डायमेंशन उसकी कैपिटल एल है। तो ये जो डायमेंशन कैपिटल एल है ये हमें बस शो कर रही है कि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, बस इतना। ओके हो गया। तो लेंथ को मेजर कर रहे हैं यानी ये किस चीज़ को बता रही है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को शो कर रही है, ये क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बता रही है। तो यूनिट्स क्वांटिटेटिव नेचर के, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को शो करती हैं, और जो डायमेंशंस है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को शो करती हैं। ओके हो गया। इसमें हम क्वालिटेटिव नेचर देखते हैं चीज़ों की। तो अब जो मैं बात कर रहा था कि ये सिर्फ तीन डायमेंशन आप याद रखें, कैपिटल एल और कैपिटल टी। अगर ये तीन डायमेंशन याद हैं तो हर फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन को आराम सुकून से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कपड़ा किधर गया भाई, फॉर एग्जाम्पल स्पीड का फार्मूला क्या होता है। इसमें ना तीन चीज़ें आपको बताएंगे। पहले आसान जो है ना आपको तरीका जस्ट बताएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीड की डायमेंशन को फाइंड करना चाहता हूँ तो पहले इन स्टेप्स को याद रखना है। पहले आपने क्या लिखना है, स्पीड का फार्मूला लिखना है जो कि क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और फिर इसकी यूनिट लिखनी है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, और क्या बन जाती है, मीटर पर सेकंड। तो स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप आपने क्या लिखना है, फार्मूला। फिर आपने क्या लिखनी है, यूनिट। और फिर आपने लिखनी है डायमेंशन। कभी भी आप किसी भी चीज़ के अगर आपने डायमेंशन निकाल लिया तो आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखें कैसे इसकी डायमेंशन निकालेंगे।
मीटर है तो मीटर डायमेंशन क्या होगी, जिसकी भी यूनिट मीटर होती है उसकी डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कैपिटल एल, और टाइम सेकंड आ गया ना, टाइम यूनिट क्या सेकंड, और इसकी डायमेंशन क्या है कैपिटल टी। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल टी, ऊपर आ जाएगा माइनस वन, तो ये हमारे पास क्या होगी डायमेंशन होगी स्पीड की। बस इतना इतना सा काम करना होता है, और याद रखें कि साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगानी है वरना आपकी डायमेंशन गलत हो जाएंगी। तो फिर से इसका याद रखें, फार्मूला लिखें, यूनिट लिखें, मीटर आ रहा है तो कैपिटल एल लगा दें, केजी आ रहा है तो कैपिटल एम लगा दें, सेकंड एस आ रहा है तो कैपिटल टी लगा दें, बस और कोई काम आपने नहीं करना, बस हो गई डायमेंशन आपकी। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, इसकी यूनिट क्या होगी लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वेयर है। ओके हो गया, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया और ये उसकी यूनिट हो गई। ओके हो गया, तो हमारे पास एरिया की यूनिट आई मीटर स्क्वेयर, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, डायमेंशन इसकी आएगी भाई क्या है मीटर स्क्वेयर है, तो मीटर की डायमेंशन क्या होती है एल, कैपिटल एल। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे कैपिटल एल, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे और साइडों पे ब्रैकेट डाल देंगे, बस होगी डायमेंशन किसकी एरिया की। उसके बाद फिर से वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अच्छा क्या इसकी यूनिट होगी, हमारे पास जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर क्यूब होती है, वो क्या होती है मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर क्यूब है। कहा जाता है इसकी डायमेंशन निकालें, फिर से मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल, तो आप यहां पर लिखेंगे कैपिटल एल, ऊपर क्यूब है तो क्यूब, और ये बन गई डायमेंशन, ये किसकी डायमेंशन है, ये वॉल्यूम की डायमेंशन है। ओके हो गया, नेक्स्ट आती है वेलोसिटी की डायमेंशन, फिर से फार्मूला यूनिट उसके बाद डायमेंशन। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला है भाई वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम किसमें मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो भाई मीटर, मीटर की डायमेंशन क्या है कैपिटल एल। ठीक है, मतलब कैपिटल एल किसी लेंथ की डायमेंशन है, और लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और सेकंड, सेकेंड डायमेंशन क्या है कैपिटल टी, तो यहां पर आप लिखेंगे कैपिटल टी, तो टी ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एल टी माइनस वन। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, ये हमारे पास है वेलोसिटी की डायमेंशन। कितना ज्यादा इजी काम है, सिर्फ ये तीन डायमेंशन याद रखें, फार्मूला लिखें, यूनिट लिखें, वहां से पता चल जाएगा कि इस स्पीड की डायमेंशन क्या है। ठीक है, सेम इसी तरह मुझे आप पता करना है एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, निकाल मैं किसकी डायमेंशन रहा हूं एक्सेलरेशन की, लेकिन एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैं फाइंड करूंगा उसकी यूनिट से, उसकी यूनिट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आसानी से उसकी डायमेंशन फाइंड कर सकता हूं। अब एक्सेलरेशन को हम किसमें मेजर करते हैं, वी बाय टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे बताएं वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, भाई वेलोसिटी की तो हमने निकाली है ये एल टी माइनस वन, आप यहां पर लिखें एल टी माइनस वन, ये तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। टी टाइम की डायमेंशन क्या है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, सीधे सेकंड मेजर करते हैं ना, या इसमें एक और काम करें, क्योंकि जो मैंने तरीका समझाया ना उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, इसे कंफ्यूज वरना आप हो जाएंगे, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, अब मीटर है तो डायमेंशन कैपिटल एल, सेकंड है तो डायमेंशन कैपिटल टी, तो यहां पर कैपिटल टी ऊपर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, टी स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस टू, तो क्या हो जाएगी एल टी की पावर माइनस टू, तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक हो गया, ओके हो गया, नेक्स्ट है फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए, भाई निकालो फोर्स की डायमेंशन, फिर से वही चीज, फोर्स हमारे पास क्या है फार्मूला इसका क्या है एम ए, और उसकी हमारे पास यूनिट क्या होगी, मैस को किसमें मेजर करते हैं, मैस को हम मेजर करते हैं के जी में, और एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से डायमेंशन निकालना आसान होगी है, के जी मतलब डायमेंशन के जी है ना,
ये के जी, तो डायमेंशन कैपिटल एम, तो कैपिटल एम, और मीटर है तो कैपिटल एल, सेकंड तो कैपिटल टी, ऊपर पावर माइनस टू, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन है, ये हमारे पास डायमेंशन है फोर्स की। ये किसकी डायमेंशन निकल आई है, ये फोर्स की डायमेंशन निकल आई है। अब निकालते हैं वर्क की डायमेंशन, ठीक है। वर्क की डायमेंशन हम इतने हिस्से में निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको बस समझ लेना है। वर्क का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। अगर एफ डी फार्मूला होता है तो फोर्स की डायमेंशन हमने क्या निकाली है, एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू ये फोर्स की डायमेंशन होगी। बी मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और डायमेंशन फिर क्या होगी इसकी, कैपिटल एल। तो यहां पर हम पुट कर देंगे कैपिटल एल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इंटू एल, ये हमारे पास एल की पावर भी वन, इसकी पावर भी वन, तो एल स्क्वेयर बन जाएगा। तो एम, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, ये हमारे पास डायमेंशन है वर्क की। एरिया की डायमेंशन एल स्क्वेयर, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ओके हो गया, यानी कि फिर से देख लो, मैं सिर्फ इन तीनों को यूज़ कर रहा हूँ, इन तीनों को यूज़ करके हर डायमेंशन हम निकालते जा रहे हैं। पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। अब वर्क की हमने डायमेंशन क्या निकाली है, वर्क की डायमेंशन निकाली है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, तो यहाँ पर लिख दो एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। और टाइम है भाई, टाइम को मैयर किस में करते हैं, सेकंड में, डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी है, तो यहां पर आप पुट कर दें कैपिटल टी। तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी, हो सकता है वहां से बोर्ड नजर ना आ रहा हो कैमरे में, तो मैं नीचे इसको लिख रहा हूं, तो एम एल स्क्वेयर टी, अब ये माइनस वन वन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री, ठीक है, माइनस टू है ना, ये ऊपर जाके माइनस वन होगा, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री बन जाएगा, तो टी की पावर माइनस थ्री, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन थी एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, तो हमने वर्क की डायमेंशन पुट की, नीचे टाइम की डायमेंशन पुट की, तो ये हमारे पास आ गए। अब ये डायमेंशन किसकी है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है पावर की। ओके हो गया, फार्मूला, यूनिट, और उसके बाद डायमेंशन आप उसे निकाल सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस की जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। अब केजी, केजी हमारे पास किसकी यूनिट है, मैस की, और मैस की फिर डायमेंशन हमारे पास क्या है, कैपिटल एम। तो जहां भी केजी आ जाए वहां पर आपने पुट कर देना है कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है, तो मीटर, मीटर इसका मतलब है डायमेंशन कैपिटल एल, कैपिटल एल, और ऊपर क्यूब है तो क्यूब डाल दो, तो ये क्या हो जाएगी, एम एल माइनस थ्री। ये किसकी डायमेंशन है, डेंसिटी की, ये डेंसिटी की डायमेंशन है। ओके हो गया, एम एल माइनस थ्री, एल क्यूब है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरह बहुत से फार्मूले हैं भाई, देखिए तीन डायमेंशन यूज़ की हैं, सारे फार्मूले सॉल्व होते जाते हैं। ये वाली जो डायमेंशन है ये जस्ट एक एक दो दो फार्मूलाज में वगैरह में यूज़ होती है, लेकिन ये जो हमारे पास है ये आप समझ लें कि 70-80% जो फार्मूलाज हैं उनमें यही डायमेंशन यूज़ होंगी, तो हम आराम सुकून से जो भी हमें फिजिकल क्वान्टिटी दी गई हो उसके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी की डायमेंशन निकली, यहाँ पर वी की जगह एल टी माइनस वन पुट करें, टी की जगह कैपिटल टी पुट करें तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम हर डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूजेस, डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और आसान हल भी आपको इसका लास्ट पर जाकर बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये मैंने आपको यूनिट्स के हिसाब से बताया है कि यूनिट्स के हिसाब से इसको कैसे निकालता है। लास्ट के तीन मिनट्स में एक और तरीके से भी आपको समझाएंगे, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बहरहाल यूजेस क्या है, ये यूज होती है करेक्टनेस ऑफ फार्मूला को चेक करने के लिए, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला कि क्या फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक फार्मूला था, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। हमारे पास क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पर पहले मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, उसके बाद मैं निकालता हूँ राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/T, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बाय टी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T होती है, ठीक है। उसके बाद लैम्डा किस में मेजर होता है, मीटर में, तो डायमेंशन कैपिटल एल होगी, और टाइम सेकंड में मेजर होता है, तो डायमेंशन कैपिटल टी होगी। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, LT-1, ठीक है। एफ लैम्डा की डायमेंशन इसमें क्या है, LT-1, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, ठीक है। ये हमने निकाली थी यहाँ पर, किधर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT-1। इसी तरह जब हमने एफ और लैम्डा इसकी हमने डायमेंशन निकाली, तो वो भी क्या है, LT-1। यानी इस फार्मूला के राइट साइड पे भी LT-1 आया, लेफ्ट साइड पर भी क्या आया, LT-1 आया। यानी कि हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये फार्मूला क्या है, ये 110% करेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो डायमेंशन एनालिसिस यूज होती हैं करेक्टनेस ऑफ फार्मूला को चेक करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसका जो फार्मूला को डिराइव हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रेज कर रहा हूँ। याद रखें कि हम फार्मूला को डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके फार्मूला भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड का जो फार्मूला उन्होंने फाइंड किया हुआ है, एग्जांपल नंबर आपकी 5 है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करें यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो किसी फार्मूला वगैरह को भी हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो एग्जांपल नंबर 5 आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि लास्ट के 3 मिनट में बताऊंगा एक और इसका ट्रिक डायमेंशन एनालिसिस को फाइंड करने का। देखिए, लेंथ जहां भी आए ना, लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल है। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल है, मास की डायमेंशन कैपिटल एम है, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, D/T, तो डायमेंशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट है यूनिट मीटर, तो कैपिटल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, तो ये हो जाएगी LT-1। उसके बाद एक्सलरेशन V/T, बगैर यूनिट के अगर निकालनी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन ये हमने निकाली है, तो LT-1, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, LT-2 आ जाएगा, ठीक है। टी है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। उसी तरह एक लास्ट हम निकाल रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मैं यूनिट्स को पुट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैस है इंटू एक्सलरेशन है, मैस की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे पुट कर दें, कैपिटल एम। एक्सलरेशन की डायमेंशन क्या है, LT-2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, MLT-2 आ जाएगी, ठीक है। तो जो फोर्स की डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, MLT-2 आ जाएगी। तो आप या तो यूनिट्स के हिसाब से देख लें कि जहाँ भी kg आ जाए तो डायमेंशन कैपिटल M, जहाँ भी मीटर आ जाए डायमेंशन कैपिटल L, और जहाँ भी सेकंड आ जाए तो उसका मतलब है डायमेंशन कैपिटल T होगी। या इस तरह से ये याद रख ले, लेंथ आ जाए तो कैपिटल L, मास आ जाए तो कैपिटल M, टाइम कहीं पर आप ही आ जाए तो कैपिटल T पुट कर देना है, और उस तरह से उन फार्मूलाज की डायमेंशन को आपने निकाल लेना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।